हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर सर्पगंधा के बारे में। सर्पगंधा की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये फैमिली एपोसाइनेसी से बिलोंग करता है, जिसका बोटेनिकल नेम होता है रावोल्फिया सरपेंटीना। वर्निकुलर नेम इसके होते हैं इंडियन स्नेक रूट, इसके अलावा इसको सर्पगंधा भी बोला जाता है। कुछ और भी इसके वर्निकुलर नेम्स होते हैं, जैसे कि इसको चंद्रभागा बोला जाता है, इसके अलावा इसको छोटा चांद बोला जाता है, या तो सिंपली इसको चंद्रा बोला जाता है। प्लांट पार्ट के अंदर इसकी रूट्स यूज की जाती है, ठीक है, रूट्स यहाँ पे यूज की जाती है। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो ये इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड मलेशिया के अंदर पाया जाता है। इंडिया के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ यानी कि हिमालयन ट्रैक, इसके अलावा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के अंदर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर एंड इसके अलावा गुजरात के अंदर ये पाया जाता है। तो इंडिया के अंदर ये इन जगह पे इस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन जगह पे पाया जाता है। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, तो ये एक इरेक्ट पेरिनियल एवरग्रीन श्रब होती है, जो कि अप टू 50 सेंटीमीटर तक हाइट अटेन कर सकती है। रूट इसके अंदर, जैसे रूट इसके जो है प्लांट पार्ट यूज होता है, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है रूट्स की। तो रूट्स जो है इसके अंदर, ये ट्यूबरस एंड रिंकल्ड टाइप की रूट्स होती है, ठीक है, थोड़ी सी तो ये ट्यूबरस होती है एंड ऐसे रिंकल्ड होती है ये। लीव्स इसके सिंपल होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लेंसियोलेट होते हैं एंड वर्ल्स के अंदर अकर होते हैं। फ्लावर यहाँ पे व्हाइट और पिंक कलर के फ्लावर होते हैं, जो कि साइमोस मैनर के अंदर अरेंज होते हैं। साइमोस मैनर के अंदर क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं साइमोस इनफ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है कि फ्लावर जो है वो एपेक्स के ऊपर आएंगे, यानी कि वहां पे वो जो एपेक्स वाला पार्ट है, टर्मिनल वाला पार्ट है, वहां की ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर फ्रूट जो है ये पर्पलिस ब्लैक ड्रूप ड्रूप यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लाइमेट इसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है। सैंडी एलुविल लोम जो है सॉइल इसको रिक्वायर्ड होती है, यानी कि जिसके अंदर पोरोसिटी ज़्यादा पाई जाती है, हाई पोरोसिटी होती है जिस सॉइल के अंदर। तो ये सभी बोटेनिकल फीचर्स है कि ये इरेक्ट पेरिनियल एवरग्रीन शब होती है, जो कि 50 सेंटीमीटर तक की हाइट अटेन कर सकती है। ट्यूबरस एंड रिंकल्ड रूट्स यहाँ पे पाई जाती है। सिंपल लॉन्ग लेंसियोलेट लीव्स यहाँ पे पाई जाती है। व्हाइट और पिंक फ्लावर जो कि साइमोस इनफ्लोरेसेंस के अंदर अरेंज होती हैं। फ्रूट यहाँ पे पर्पलिस ब्लैक ड्रूप यहाँ पे पाए जाते हैं एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है इसको ग्रो करने के लिए, एंड सैंडी एलुविल लोम लोम सॉइल के अंदर ये बेस्ट ग्रो करता है। नेक्स्ट आते हैं यूजेस। तो 90, अब हमने अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इस सर्पगंधा के अंदर एल्कलोइड कंटेंट पाया जाता है एंड 90% ऑफ द एल्कलोइड जो है ये रूट बार्क के अंदर पाया जाता है। रूट की जो बार्क होती है उसके अंदर ये पाया जाएगा। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस डिसऑर्डर्स, जैसे कि एंजाइटी, इसके अलावा साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, सीजोफिनिया के लिए यूज़ किया जाता है, इंसेनिटी, इंसोमिया, एपिलेप्सी, इन सभी नर्वस डिसऑर्डर्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये जो साइकोसिस होता है, साइकोसिस के अंदर क्या होगा, एक तरह से जो पर्सन होगा वो रियलिटी से, रियलिटी के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, उसको नहीं पता चलेगा कि ये रियल है और ये रियल नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट है सीजोफिरनिया। सीजोफिरनिया की भी, सीजोफिरनिया एक टाइप की मेंटल इलनेस होती है, जो कि उस पर्सन की थिंकिंग को, फीलिंग को एंड बिहेवियर को चेंज कर देती है। इनसेनिटी, एक तरह से हम बोल सकते हैं मैडनेस या फिर पागलपन। इनसोमनिया हो गया, नींद ना आना। इसके अलावा एपिलेप्सी यानी कि जो मिर्गी होती है, रिपीटेड सीजर्स जो होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सडन बिहेवियर के अंदर चेंज होना, जो कि इम्बेलेंस की वजह से होता है, कि नर्वस सिग्नलिंग केमिकल्स जैसे कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स के इम्बेलेंस की वजह से हुआ। तो इन सभी डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। रूट एक्सट्रैक्ट जो यहाँ पे बनाया जाता है वो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये हाई बीपी के अंदर भी यूटिलाइज किया जाता है, और रूट पाउडर जो है ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी यूटिलाइज किया जाता है। एंड स्नेक बाइट एंड स्कॉर्पियन बाइट के ट्रीटमेंट के लिए भी सर्पगंधा का यूज़ किया जाता है।
इसके अलावा ट्रीटमेंट फॉर डायरिया एंड डिजेंट्री, डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए, एंड डिजेंट्री यानी कि एक तरह से इसके अंदर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होगा विद डायरिया, एंड डायरिया के अंदर भी यहाँ पे क्या होगा, ब्लड और म्यूकस यहाँ पे आएगा। तो ये सभी यूजेस हैं यहाँ पे सर्पगंधा के, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर मेनली रूट्स के अंदर, रूट की जो बार्क होगी उसके अंदर एल्कलॉइड पाए जाएंगे, और जो नर्वस डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं जैसे कि एंजाइटी, साइकोसिस, सीजोफ्रेनिया, इंसेनिटी, इंसोमनिया, एपिलेप्सी, इसके अलावा इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो गए, हाई बीपी और स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट, डायरिया, डिजेंट्री, इन सभी के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने सर्पगंधा के बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एंड यूजेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।